फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एकलव्य स्टूडियो। बिग बॉस मराठी के बारे में हम बातें करेंगे और आज हुआ है बहुत सारे हंगामे और वो भी सिर्फ और सिर्फ टास्क के लिए। वो कहते हैं ना, टास्क के लिए हम कुछ भी करेंगे, तो वही हाल है बिग बॉस के घर में। और आज जैसा कि रिपोर्टिंग टास्क चल रहा था, सबने बहुत सारे ड्रामे किए हैं और आप लोगों को किसकी किसकी एक्टिंग अच्छी लगी है ये आप हमें जरूर बताइएगा कमेंट के थ्रू। लेकिन सबसे पहले तो मेघा ने जो किया, वो कबर्ड में घुस के और कि ये मेरा न्यू फ्लैट है, बहुत ही इनोवेटिव, बहुत ही अच्छा था। वहीं पे रेशम का कुछ तो था जो उसने ड्रेसअप किया था, जो हमें शो के स्टार्टिंग में दिखाया गया, जो कि उसकी एक्टिंग नहीं दिखाई गई। आई डोंट नो क्यों नहीं दिखाई गई, ये सारी चीजें हुई। वहीं पे सई ने आंख पे पट्टी बांध के, कि घर वाले बोलते हैं कि मैं टास्क काम नहीं करती हूँ तो मैं आंख पे पट्टी बांध के ऑमलेट बनाऊंगी, ये उसने किया। मेघा ने फिर बालों पे ऐसे पूरी तरह से आगे करके मिसेज बिग बॉस ये सारी चीजें की। पुष्कर ने ऑब्वियसली पागलपन का एक्टिंग, जाश में वो पागलपन की एक्टिंग कर रहा था। सब ने, किशोर ने थोड़ा बहुत किया, स्मिता ने किया, लेकिन मुझे एक चीज जो बुरा लगा वो लगा कि शर्मिष्ठा के साथ जो कॉर्नर किया गया शर्मिष्ठा को आज, क्योंकि सई और शर्मिष्ठा ने एक्टिंग किया था हेयर जॉइंट होने का, सिर जॉइंट करके कि ये हमारा हेयर जॉइंट है, वो सारा आइडिया शर्मिष्ठा का था एंड उसके कोई क्रेडिट नहीं मिला उस टास्क में। सई को वो सारी चीजें मिल गई, सई को रिपोर्टिंग, सही को फर्स्ट मिल गया, जो कि गलत था, जो शर्मिष्ठा का आइडिया था, शर्मिष्ठा ने बाद भी बोला गया। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि शर्मिष्ठा बहुत ज्यादा कॉर्नर की जा रही है। वो एक ग्रुप में रहती है, उस ग्रुप में वो सबको साथ देती है और जब से आई है तब से उस ग्रुप को सपोर्ट कर रही है, लेकिन फिर भी उसको बहुत ज्यादा कॉर्नर किया जा रहा है हर जगह। और वो चीज शर्मिष्ठा को आई डोंट नो रियलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा, बट पब्लिक को दिख रही होगी ये चीजें, मुझे ऐसा लगता है। तो काफी लोगों ने काफी कुछ एक्टिंग किया, बहुत सारी मस्ती एक्टिंग हुई, बट मुझे जो सबसे बेस्ट लगा मुझे वो मेघा का लगा। जो भी उसने दो तीन एक्टिंग की थी वो बहुत ही इनोवेटिव था। और तो टास्क में कुछ हुआ नहीं है क्योंकि बिग बॉस के घर में टास्क ऑब्वियसली 3 दिन चले नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब कुछ भी हो जाए। कि अब सोचो ना, आज का जो दिखाया बहुत कुछ ऐसा था जो बिना मतलब का था, लेकिन वो हमें दिखाया जा रहा था। और उस टास्क को कल भी वो लंबा खींचेंगे क्योंकि थर्सडे है, फिर फ्राइडे कैप्टनसी टास्क होगा, तो कल का पूरा दिन यही होगा। एक चीज बहुत अच्छा लगा, जब वो सुबह का जो सॉन्ग बज रहा था, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, तो ये जो सॉन्ग में सई ने जिस तरह से अपने फेस की एक्टिंग की थी वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत फर्स्ट ऐसे पता नहीं, वो बहुत डिफरेंट वे में वो एक्टिंग कर रही थी और वो बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद उसका जो एक्टिंग था आंखों पे बांधना, फिर शर्मिष्ठा के साथ जो फाइट हुआ, वो फाइट काफी जगह ये लगा कि वो रियल था, क्योंकि मैं भी थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गई थी कि ये रियल फाइट हो रही है, टास्क के लिए हो रहा है। बट बाद में आप लोगों ने देखा, जब शर्मिष्ठा रोते हुए वो वॉशरूम में गई और जिस तरह से उसने कैमरे की तरफ देखा, वो कहीं ना कहीं दिख गया कि ये सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग थी। बट एक्टिंग में कहीं ना कहीं सबने बहुत ज्यादा बोल दिया, शायद इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था। तो आज का ओवरव्यू यही है कि सबने पागलों वाली एक्टिंग की है टास्क जीतने के लिए, और सबका बस ये मोटिव है कि किसी तरह कैप्टनसी के दावेदार हो जाए, क्योंकि जो जितनी बार रिपोर्टिंग करेगा तो मैक्सिमम जितने लोग होंगे उसको मिलेगी कैप्टनसी की दावेदारी। तो लेट्स गो, चलो हम आप लोगों के कमेंट पढ़ते हैं एंड आप लोगों को क्या लगता है कि कौन बेस्ट है ये आप हमें बताओ जल्दी से। प्रतीक्षा फाइट रियल नहीं थी, प्रतीक्षा वो सिर्फ और सिर्फ टास्क के लिए था। यस, मस्त फाइट किया सही है शर्मिष्ठा ने रिद्धिमा एस। यस ओके, सो मैं अपने वहां से नहीं पढ़ती हूँ, मैं यहाँ से पढ़ती हूँ। वन सही बहुत ही ज्यादा ओवर कर रही है, उसको वोट नहीं करने वाले मैं अब। यस, मस्ट फाइट किया सई एंड शर्मिष्ठा। योगिता, मेघा को बूथ वाला टास्क अच्छा था, कॉम्पिटिटिव स्मिता, इसके लिए मेघा बेस्ट वोट फॉर मेघा।
यस एक्चुअली इस मेघा ने बहुत, और किशोर क्या मतलब मिस्टर मिस्टर किशोर, सई ने मुझे प्रपोज किया, पुष्की की जगह वो किसकी बोलती है नंदू, तो वो ये जो सारी चीजें बोल रहा था वो क्या सोच के बोल रहा था, क्या दिमाग लगा के बोल रहा था, ये तो किशोर ही जाने, किशोर ही बताएगा ये सारी चीजें। मेघा बेस्ट आए, आनंद डीवीएस फैन, मुझे रियल लगा फाइट डीवीएस फैन, बट ये फाइट रियल नहीं थी क्योंकि शर्मिष्ठा ने जो एक्टिंग की थी कैमरे के सामने जाके एक वॉशरूम में, उसे क्लियरली पता चल गया हमें कि ये फाइट फेक है। डबल एलिमिनेशन होगा क्या ये वीक? नहीं तुषार, डबल एलिमिनेशन का अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। शर्मिष्ठा मेघा पंकज, शर्मिष्ठा आज क्या मस्त खेली, एक्टिंग बेस्ट सही ऑल्सो एंड ऑलवेज मेघा वेरी इनोवेटिव। यस मेघा काफी अच्छा खेली, सई ने भी काफी अच्छा किया, वो आंखों पे पट्टी बांध के ऑमलेट बनाना ये सारी चीजें, बट शर्मिष्ठा के लिए मुझे बुरा लगा कि वो करती बहुत कुछ है बट वो दिखता भी नहीं है, और सेकंड चीज कि उसको काफी लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो ये मुझे गलत लगा हुआ पे। सम्राट शर्मिष्ठा बेस्ट, आप मैं तभी वोट करूंगा जब मेघा नॉमिनेट होगी। ओके मयूश, इतना बकवास एपिसोड एंटायर बीबी में नहीं हुआ, प्लीज मेघा को विनर करो, प्लीज क्लोज। आशीष, अस्मिता बाहर जाएगी आऊ के साथ, आऊ को तो जाना है इस बार पक्का, मुझे तो लगता है कि आऊ के चांसेस बहुत हैं। शर्मिष्ठा डिजर्व टू स्टे इन हाउस सम्राट, एक्चुअली मुझे भी लगता है शर्मिष्ठा को अभी रहना चाहिए, शर्मिष्ठा काफी कुछ कर रही है जो कि दिख नहीं पा रहा है, तो आई विश कि शर्मिष्ठा अभी रहे। वोट फॉर शर्मिष्ठा, हम एक दिन में एक कंटेस्टेंट को कितने वोट दे सकते हैं? हर्ष आप एक दिन नहीं, आप एक आईडी से सिर्फ एक ही वोट कर सकते हो। आस्ताद को का अच्छा होकर उसको नेगलेक्ट किया गया, आस्ताद का भारती श्रीवास्तव, आस्ताद का क्या अच्छा था, मुझे नहीं लगा उसका कुछ भी, उसने कुछ वैसा एक्टिंग किया। रेशम ने जो बोला कि उसके स्लीपर में कैमरे लगे हुए हैं, अंशी नंदे का जो वो सब बोल रही थी, वो आप लोगों को क्या लगा कि क्या कर रहा था? आओ एक इरिटेटिंग नाउ रोहिणी, यस आओ काफी इरिटेट होने लगी है, मुझे एक चीज आज आओ की अच्छी नहीं लगी, वो ये था कि जब सई फोटो के लिए गुस्सा कर रही थी और सई ने पूछा वो, क्योंकि वो जनरली सबसे पूछ रही थी चाहे वो टास्क के दौरान हो या जो भी हो, तो वो सबसे ये बात पूछ रही थी कि मेरा फोटो किसने लिया, मेरा फोटो किसने लिया, और आऊ ने जिस तरह से रिप्लाई किया लाइक कि अगर मैंने लिया होगा तो मेरे, उसने अपने चप्पल की तरफ इशारा किया, चप्पल उठाना और ऐसे मारना, मतलब कि अच्छा अगर मैंने लिया तो मेरा चप्पल उठाओ और मुझे ही मारो, आई मीन व्हाट इज दिस, आप सीधे सीधे नहीं बोल सकते हो कि हाँ भाई तुम, मैंने ही लिया, जैसे सब बोल रहे थे, सब लड़ रहे थे। कंचन राइट भाटी ओके, नंद किशोर भी अच्छा कर रहा है, नंद किशोर कौन, मिस्टर इंडिया। दीपाली आउट को निकालो, वोट पर तो शायद 10 वोट करते हैं ना एक दिन में, नहीं बंस वो काउंट नहीं होते, एक आईडी से एक ही वोट कर सकते हो। अस्ताद और उषा विल बी इन डेंजर जोन। पुनेरी किशोर अगेन ट्राई टू टारगेट मेगा टीम मेंबर, प्योरली नेगेटिव डिफेंडमेंट। डिवेस फैन मैम बीबी 15 वीक का होता है ना, फिर ये मराठी बीबी 14 वीक का क्यों है, 14 वीक का ही होता है, 15 वीक का नहीं होता है डिवेस फैन जहां तक मुझे याद है। मिलिंद जोशी शर्मिष्ठा प्लेड वेल, तो आई थिंक सिर्फ मुझे ही नहीं काफी लोगों को लग रहा है कि शर्मिष्ठा ने काफी अच्छा खेला। चलो वोट फॉर सई एंड मेघा अर्चना आवाज बोरिंग। मयूशी स्मिता टीआरपी के लिए फालतू में सई से झगड़ा कर रही थी। स्मिता ने जो लिंडा वाली जो वो एक्टिंग की थी उसने, आप लोगों को क्या लगा, आप लोगों को अच्छा लगा वो चीज क्या, आप लोग प्लीज मुझे बताओ कि आप लोगों को वो अच्छा लगा क्या। स्मिता क्या कर रही थी कुछ समझ नहीं आया। रविंद्र वो लिंडा को खोज रही थी, जो पुष्कर लिंडा बन के वो बिकनी में जो आया था वो उसे खोज रही थी। रीड माई कमेंट देवती ओके, तो आप फिर से कमेंट करो। मैम इमेजिन करो काला जामुन और रसमलाई, वैसे नंद किशोर सही योग्यता। ये जो उसने बोला कि सई ने मुझे प्रपोज किया है, मुझे किसकी बोला है, तो बहुत फनी था, अच्छा था, ट्राई अच्छा किया था नो डाउट। रोहिणी योर रिव्यू इज बेस्ट, थैंक यू सो मच रोहिणी। अर्चना मेघा एक्ट वॉज बेस्ट, मिसेज बिग बॉस। यस यार मैं मतलब किसी के एक्ट में, पूरे एक्ट में मैं किसी के एक्ट में नहीं हंसी हूँ, बट मैं जितना मेघा के एक्ट में हंसी हूँ वो उसने बहुत फनी किया है। सही आंसर मिस्टर वोट ऑनली नो वोट फॉर सही, लगता है कि ये गलत है। लास्ट फाइट ऑफ सई एंड शर्मिष्ठा वॉज गुड आइडिया,
यस दोनों ने अच्छा किया. मेघा इज द मेल कॉम्बिनेशन ऑफ हिना एंड शिल्पा. मेघा इज बेस्ट कंचन. स्मिता को बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वो नहीं जाएगी. उषा नदकर्नी प्लीज प्रिपेयर गुड फूड टू अदर कंटेस्टेंट बिकॉज दे आर ट्राइंग टू ग्रेव अटेंशन. यू जस्ट डूइंग नथिंग. शर्मिष्ठा इज इम्प्रूविंग. शर्मिष्ठा ने आज मुझे लगता है कि काफी अच्छा खेला था. और प्रतीक आप दिख नहीं रहे हो. आई थिंक इंटरनेट का प्रॉब्लम हुआ था बट अभी ठीक है. विमल आपकी आवाज अच्छी है. थैंक यू सो मच विमल. शर्मिष्ठा ने मेघा का वोट करा. मेघा द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्यूटीफुल अर्थ. उषा जी घलो बाहर. मेघा इज स्मार्टेस्ट ब्यूटीफुल अर्थ. प्रफुल मैम स्मिता के लिए सब स्टार वोट अपील कर रहे हैं. स्मिता ने पैसे दिए हैं बिकॉज आज जुई एंड सुशांत ने. यस मैंने भी वो वीडियो देखे हैं जहाँ पे काफी लोग उसको वोट के लिए उसकी अपील कर रहे हैं. बट देखते हैं, ऐसा नहीं होता है. जो अच्छा खेलेगा, जो ज्यादा देर रहेगा, जो टास्क करेगा, वो ही रहेगा इस घर में. कितना बोरिंग है बीबीएम. नर्मदा दीक्षित एक्चुअली डे बाय डे ये बहुत ही ज्यादा अजीब होते जा रहा है. सही मेड ऑमलेट बिन ब्लिंक वॉज ऑल्सो गुड. अर्चना एक्चुअली सही ने काफी अच्छा वो ऑमलेट बनाने का ट्राई किया क्योंकि वो पहले से प्रिपेयर थी उसे कैसे करना है क्या करना है. बट फिर भी आंखों पे पट्टी बांध के वो चूल्हे पे ऐसे बनाना इट्स वेरी डिफिकल्ट. लेकिन उसने बहुत आसानी से कर दिया वो चीज. मेगा विनर है तो कुछ भी कर ले. बंस भारती सही ने ठीक कहा. कैमरा और रिपोर्टर हमेशा ही बनना चाहिए. उसका दिमाग चलता है. सही को लगता है मैं जो करती हूँ वो सही बाकी के गलत है. ओके नहीं मेघा नहीं कर रही है. उल्टा शर्मिष्ठा बिचिंग करती है कभी कभी मेघा की. और आउ आज मेघा के तो गुप्ता मीन्स मोटी बोली निशिता आउ. एक्चुअली मुझे वो एपिसोड उस टाइम का ना बहुत अजीब लगा. मेघा ट्राई कर रही थी कि आउ भी कुछ करे बट आउ उल्टा मेघा के ऊपर ही गुस्सा हो गई. रेशम के वजह से बोरिंग लग रहा था एसजे. रेशम ने कुछ भी नहीं किया पूरे टास्क में. सिर्फ एक जगह उसने किया और उसके टाइम उसको रिपोर्टर बना दे गया वो पता नहीं क्यों. एक वैम के तौर पर रेशम को बीबी फाइनल को ले जाएंगे. यस हर बार यही होता है. एक वैम और एक बहुत अच्छी. ये हर बार के बीबी में देख लो आपकी ऐसा ही होता है और इस बार भी वही होगा. अनिता मेघा एंड शर्मिष्ठा वेयर बेस्ट. अर्चना अस्ताद का बोरिंग. जमीन की पूजा कुछ भी. मतलब वो क्या बोल रहा था भूषण एंड ऑल. मतलब कहाँ की बातें कहाँ वो लेके आ रहा है. भूषण अब है भी नहीं एपिसोड में. मेघा को ये आइडिया आता कहाँ से है. सिमरन मुझे भी उससे पूछना है ये आइडिया. मतलब कबर्ड के अंदर घुसना, वो बालों को आगे करके मिसेज बिग बॉस बनना, वो बहुत फनी था. सही को अब इग्नोर करने लगे हैं. Yes, नंदकिशोर का एक्ट अच्छा था. सई ने प्रपोज किया. सई ने प्रपोज नहीं किया था. नंदकिशोर बस एक्टिंग कर रहा था. वो बस ऐसी झूठ बोल रहा था. बीबीएम बहुत बोरिंग हो रहा है. बिंग ह्यूमन यस बीबीएम बहुत बोरिंग हो रहा है. नंदकिशोर अकेले रहता है ऐसा लग रहा है बिग बॉस में. अकेले रहता है वो तो मिस्टर इंडिया है. वो तो रहेगा ही भाई. मिस्टर इंडिया को आप पकड़ नहीं सकते हो. मेघा गुड थी बट सही अनोइंग. सही बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो रही है. आउ को बाहर भेजो. बहुत निगेटिव जा रही है. प्रमोद मेगा इट बेस्ट. रेशम को बाहर निकालो. भूषण मर गया है क्या जो अस्ताद ने उसकी समाधि डाली. सपना वो अस्ताद का बहुत ही घटिया वाला ट्रिक था जो कि अस्ताद ने किया. बट अस्ताद को लग रहा था भाई बहुत मैंने बहुत अच्छा किया है ये चीज. रेशम ही जीतेगी बीबी. अतुल पंकज ब्रेकिंग न्यूज लिंडा के साथ साथ आस्ताद की अकल भी गुम हो गई है. किसी को मिल जाते हैं तो उसकी जरूरत है. अकल जाओ अकल गाइस. अकल जाके बांटो उन लोगों को. स्मिता की बात भी तिमल देखती है शायद. दैट्स व्हाई शी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन बीबी मराठी. ओके मेघा अजय चालू है. छबरी नीलेश मैम आज मैंने एक वीडियो देखा उसमें कह रहे कि बीवी रेशम की अहमियत अच्छा दिखाने में लगे हैं इसलिए बीवी ने हर्षदा को भेजा. यस नीलेश मुझे भी ये लगता है. एक वीक के लिए किससे कोई भेजता है यार. मतलब पूरे एपिसोड में आज तक के सीजन में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि वहाँ तो छुट्टी चल रही है एक वीक के लिए आओ घर में और उसके बाद तुम चले जाओ. क्यों मतलब क्या किसी के पास चलो ठीक है मैं बहुत काम से बोर हो गया हूँ तो मैं बिग बॉस के घर में जाऊंगा. मैं बिग बॉस के घर में आराम से मस्ती करके आऊंगा उसके बाद रहूंगा. तो ये सारी चीजें एक्चुअली पब्लिक को डाइजेस्ट नहीं हुई होगी.
पुष्कर तो सच में पागल हो गया है, नंदू ने बोला। मेघा ने उसकी फैन को उससे दिया कुछ भी। मेघा अच्छी खेल रही है, रेशम की वजह से घर खराब किया है। बी मराठी से अच्छे तो आपका रिव्यू अच्छा लगता है मुझे, रवीना। थैंक यू सो मच रवीना। मेघा इज मिसेस बिग बॉस, एक नंबर था। मुझे भी अब तक का जितना परफॉर्मेंस था सबसे बेस्ट मेघा का परफॉर्मेंस लगा था। पुष्कर ऑल्सो एक्टेड वेल, यस पुष्कर ने वो पागलपन वाली एक्टिंग बहुत अच्छी की थी। लड़ाई वाली नंदकिशोर से बहुत अच्छी की थी, और जो वैक्सीन वाली थी वो हमें अभी नहीं दिखाई गई है, और वायरल में क्या दिखाई भी जाएगी कि नहीं दिखाई जाएगी। मेघा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन वैल्यूज, मेघा यूज कर रही है पुष्कर को सेफ होने के लिए। ओके पूनम, मेघा कुड हैव डन गुड एज अ रिपोर्टर। हे क्रिएट पोल यू वोटेड फॉर, हे क्रिएट पोल यू वोटेड फॉर सम्राट। अभी तक मैंने किसी को वोट नहीं किया है सम्राट, बट आई विल वोट, अभी नहीं, आई विल टेक टाइम। निर्मला, मेघा ने मिसेज इंडिया को अच्छा आंसर दिया, मिस्टर इंडिया को। रेशम को प्ले नहीं दिखाया, क्या किया था उसने? यस रेशम ने जो शो के स्टार्ट हुआ था, और शो के स्टार्ट में उसने एक ड्रेस पहना था, और जो ड्रेस वो चेंज करते हुए दिखी थी, बट वो एक्ट नहीं दिखाया गया था। आपको लॉलीपॉप दिया है सही, जो पुष्कर मेघा की रिस्पेक्ट है तो मेघा जुगलिया करती है। नंदकिशोर के पीछे क्यों लग रहे हैं पुष्कर सही, नहीं तो वो बाद में बोल भी सकते हैं। मुझे भी मेघा और पुष्की का अच्छा लगा, भारती श्रीवास्तव। लव यू मेघा, यू आर द विनर। तो गाइस आई थिंक सबको आज मुझे लगता है कि मेघा का ही सबसे ज्यादा अच्छा लगा है, जितना भी एक्ट हुआ है, और बहुत सारी चीजें हमें नहीं दिखाई गई है। एंड आई फील वेरी बैड फॉर शर्मिष्ठा कि वो काफी ज्यादा कॉर्नर किया जा रहा है उसको, जो कि वो हमेशा एक ग्रुप का साथ देती है, वो मुझे बहुत बुरा लगा। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज के एपिसोड में ज्यादा कुछ हुआ नहीं था, एंड सबको यही लगता है कि हाँ मेघा ने अच्छा किया, पुष्कर ने अच्छा किया। तो देखते हैं कैप्टनसी का दावेदार कौन बनता है। एक्चुअली आई एम जस्ट वेटिंग व्हेन मराठी बीबी गेट ओवर, आई वांट टू बीबी टू रिड्यूस 10 टू 15 डेज। ओके कुछ तो आपके कमेंट मिस हो गए हैं रेशमा मुझसे, लेट्स सी। I want to reduce 10 to 100 days, declare Megha as winner and finish it. I'm so bored with it now. I think सबको ही bored हो गया है Reshma, जो भी लग रहा है। I mean make my voting poll YouTube, you voted for. सम्राट मैं आपकी बातें नहीं समझ रही हूँ अभी, आप क्या बोल रहे हो। Thai time out should go out. Number 4 reason she is going against Megha. Yes. तो guys चलो टाटा बाय बाय, एंड हम फिर कल मिलेंगे। सो बाय बाय, और एपिसोड देखिए, और आज के एपिसोड में सबको लगता है कि मेघा ही है, तो आज अच्छा किया है। एंड प्लीज गाइस शर्मिष्ठा को वोट करो अगर आपको अच्छी लगती है तो, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा कॉर्नर किया जा रहा है जो उसके लिए गलत है। तो वोट फॉर शर्मिष्ठा, वोट फॉर सई, मुझे ये दोनों लगते हैं कि ये दोनों रहने चाहिए अभी शो में। तो गाइस वोट करो और नोट करो, इंजॉय करो। सो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।